हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में गणपति विसर्जन को लेकर सड़कें हुई गुलाल से सराबोर, भक्ति तराने पर थिरके भक्त। 10 दिन के गणपति महोत्सव की बाड़मेर शहर भर धूम रही। शहर के गली मोहल्लों में करीब 5000 से अधिक गणपति की छोटी बड़ी प्रतिमाएं विराजित की गई थी, जिसे आज शहर के शिव शक्ति धाम स्थित जसदेर तालाब में विसर्जित किया गया। लेकिन विसर्जन के दौरान लोग बाड़मेर प्रशासन की व्यवस्था पर निराश नजर आए। विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर की मुख्य सड़कों सहित विभिन्न मार्ग गुलाल से सराबोर नजर आए। वहीं भक्त गणपति की प्रतिमाओं के आगे डीजे पर बजते भक्ति तरानों और ढोल की थाप पर नृत्य करते नजर आए। शहर की रॉय कॉलोनी, चौहटन रोड, स्टेशन रोड, जैसलमेर रोड सहित सड़कें गुलाल से सराबोर हो गई। वहीं गणपति बप्पा मोरिया के जमकर नारे लगाए। विसर्जन करने पहुंचे गणपति भक्तों ने बताया कि 10 दिनों के महोत्सव को धूमधाम से मनाया गया, लेकिन विसर्जन कार्यक्रम पर बाड़मेर प्रशासन ने पानी फेर दिया और इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी के चलते प्रशासन द्वारा छोटे से नाड़े में विसर्जन कार्यक्रम रखा गया, जो संभव नहीं हो पाया। वहीं प्रतिमाओं को पानी में डुबकी लगाकर तालाब से बाहर रखवा दिया गया, जिसमें कई प्रतिमाएं खंडित होने के साथ प्रतिमाओं का अपमान भी हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इससे अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एडवोकेट मनीष शर्मा, मैं यहाँ विनायक मित्र मंडल राय कॉलोनी बाड़मेर की तरफ से आया हूँ। हमने यहाँ पे 10 दिन का बाड़मेर में गणेश उत्सव जो मनाया, बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही शानदार तरीके से। मगर आज जब विसर्जन का समय आया तो हमारे उस 10 दिन का जो उत्साह था, प्रशासन की नेग्लिजेंसी, प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की हिंदुओं के प्रति जो उनकी क्या हट धर्मिता कह सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं के इस धार्मिक त्यौहार को नीचा दिखाया जाए, उसका पूरा प्रशासन ने मजा लिया है कि कैसे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए। उसका नतीजा आप हम मेरे साथ में बड़ी मूर्तियों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ प्रशासन ने एकदम पानी की माकूल व्यवस्था की है, जिससे मूर्तियों का विसर्जन किया जाए, और न प्रशासन की ओर से कोई ऐसा अधिकारी यहाँ मौजूद है जो इन मूर्तियों को कैसे, इसका बाद में क्या किया जाएगा, उसका सही ढंग से जवाब दे पाए। 10 दिन तक जिस उत्साह के साथ में बाड़मेर की जनता ने मूर्तियों का विसर्जन, गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया, आज के इस हालात को देख के उन बाड़मेर की जनता को शायद रोना आ रहा होगा कि गणेश उत्सव में जो इन्होंने उत्साह था वो आज इस प्रशासन ने पूरे उत्साह के ऊपर पानी फेर दिया। गणेश विसर्जन के लिए प्रशासन पानी की व्यवस्था नहीं कर पाया तो भविष्य में प्रशासन क्या व्यवस्था कर पाएगा। इन सारी मूर्तियों को बाहर रख दिया गया और बड़ी मूर्तियाँ उनको तो पानी के लिए तालाब में भी नहीं रखा गया, एक छोटा सा तालाब रखा है। पूर्व में जिला प्रशासन और जन सहयोग से जो एक छोटा तालाब बना के उसमें मूर्तियाँ विसर्जन की जाती थी, इस बार प्रशासन ने हर धर्मिता बताते हुए जन सहयोग का किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं लिया और केवल अपने स्तर पे जो व्यवस्था की है वो किसी भी प्रकार से माकूल व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्थिति जो आप देख सकते हो कि जो मूर्तियाँ हैं, सारी मूर्तियाँ बाहर है, नजर भगवान मालिक के प्रशासन का, प्रशासन क्या करेगा इनके साथ। आज भगवान की दशा है तो कल को आम पब्लिक की, आम जनता का क्या हाल होगा इन मूर्तियों के ऊपर। मेरे हिसाब से प्रशासन जैसी भी जलवा देगा, कैसे भी करके रोलर लगवा देगा या कैसे भी करके इन मूर्तियों को तुड़वा देगा। बड़ी शर्मनाक स्थिति है, हम बाड़मेर में और ऐसे घटिया प्रशासन के साथ में हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। 11 दिवसीय धूमधाम से बनाया गया गणपति, इसीलिए बनाया गया 11 दिवस का जो हमारा गणपति का त्यौहार था। आज अगर हम देखें तो मैं भविष्य में बाड़मेर की जनता के साथ में निवेदन करूंगा कि हिंदू भावनाओं को आहत करने वाले प्रशासन के साथ में न रहें, जो हो आप अपने स्तर पर व्यवस्था करें और अपने स्तर पर ही माकूल व्यवस्था करते हुए गणपति विसर्जन की व्यवस्था करावें। ऐसी दुर्दशा में अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान न करें, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। इनका जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये पूरा जिम्मेदार प्रशासन स्वयं है। प्रशासन मानसून का जो एक सपोर्ट लेके हुए कि बाड़मेर में बारिश नहीं है, अब बारिश नहीं है किंतु आप टैंकर से पानी की व्यवस्था कर सकते थे। पहले भी आपने तालाब बना के मूर्तियों का विसर्जन करवाया है, वो व्यवस्था आप कर सकते थे, पर न जाने क्यों इस बार प्रशासन इतना लाचार और बेबस नजर आ रहा है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा इस बार प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। शर्म आती है, मैं बार बार ये कहूँगा कि शर्म आती है ऐसे प्रशासन को कि प्रशासन बाड़मेर में बैठा है।
उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठा के कम से कम ऐसे प्रशासन के और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए कि उन्होंने एक मुस्त हिंदू धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का जो प्रयास किया है भविष्य में वो अपूर्णीय है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।